नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कुद्रुम की चटनी। कुद्रुम जिसे इंग्लिश में रोसिल भी बोलते हैं और यह जनरली झारखंड और बिहार में ही पाया जाता है और इसका सीजन है विंटर सीजन। तो इसे मैंने देखिए अच्छे से धो लिया है और अब मैं जो इसके छिलके हैं इस तरह से इसे निकालूंगी और चटनी जो हमें बनानी है वो इसी की बनानी है, इसके ये रेड वाले छिलके की। इसमें जो ग्रीन है इसे हम बाहर निकाल देंगे, इसका यूज़ हम नहीं करेंगे। तो इस तरह करके मैं सबके छिलके निकाल लूँगी और इसमें मैं डालूँगी लहसुन की कलियाँ, हरी मिर्च और नमक। ये सबको इसके साथ मिक्स करके हम बनाएंगे इसकी चटनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। देखिए इस तरह हमें सबके छिलके निकाल लेने हैं। छिलके का जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है और इसकी चटनी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो मैंने लिया है मिक्सर जार और उसमें मैं डालूंगी ये रेड छिलके जो मैंने कुद्रुम के निकाले हैं। इसकी चटनी जो होती है बहुत ही कलरफुल दिखती है और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो ये मैंने सारे छिलके इस मिक्सर बाउल में डाल दिए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन की कलियाँ, तो ये लहसुन लिया है मैंने। फिर इसके अंदर डालूंगी हरी मिर्च और स्वाद अनुसार नमक। तो चलिए अब हम इसे ग्राइंड करते हैं। तो तैयार हो चुकी है हमारी ये कुद्रुम की चटनी। तो अब हम इसे सर्व करेंगे इस बाउल में। इसका कलर बहुत ही खूबसूरत आया है और खाने में भी इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। तो आप भी इसकी चटनी बनाइए और खा के मुझे बताइएगा कि कैसी लगी आपको कुद्रुम की चटनी और मेरी ये रेसिपी। कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।